नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, जो कि मेनली संबंधित है BRS ऑप्टीज से। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जुलाई मंथ की सैलरी और रेगुलर एम्प्लॉयज़ की, और BSNL 4G और साथ ही लेटेस्ट अपडेट प्लान के बारे में। तो बाकी तो चर्चा का विषय बना ही रहता है, लेकिन सबसे पहले आज की खास अपडेट है जो मेनली जुड़ी हुई है BRS ऑप्टीज से। मोस्ट अर्जेंट इनके लिए लेटर इशू किया गया है 6 अगस्त को, ये देख रहे हो आज आपकी डेट, तो ये ऑफिशियल अपडेट है। तो जितने भी BRS ऑप्टीज हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। सभी को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह आप शेयर करके उनको ये संदेश पहुँचा सकते हैं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर में लिखा हुआ है SUBSCRIB, उसको प्रेस कर दें और उसके साथ में आएगी घंटी का निशान, उसे सेट कर दीजिएगा ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निशुल्क है, 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो थी इससे रिलेटेड जानकारी, और अब शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पता है कि रैंक 2MS चैनल आपके लिए लेकर के आता है हमेशा ऑफिशियल अपडेट, और आज की ऑफिशियल अपडेट में है BRS ऑप्टीज के लिए कि ये इमीडिएट आपके तुरंत भुगतान के लिए जितना भी पेंडिंग इश्यूज हैं BRS ऑप्टीज या रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए, जितने भी BSNL BRS 2019 के तहत BRS लिया है जिन्होंने, तो सभी के लिए ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है कि जल्दी से जल्दी उनका जितना भी बकाया है, पेंडिंग इश्यू बाकी हैं, उनका जल्दी से सेटलमेंट किया जाए और उनका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। अब क्या डेट दी है, क्या इसके बारे में डिटेल में है, तो देखते हैं हम अब डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो लेटर में ये चीज़ बताई गई है कि आई एम डायरेक्टेड रेफर टू द DO लेटर, ये लेटर का नंबर वगैरह बताया हुआ है, और ये डायरेक्टर HR के द्वारा 28/7/2020 को ये इश्यू किया गया था, और जिसके तहत ये एक्शन लेने थे। तो ये 28 जुलाई को ये जारी किया गया था लेटर पहले, और उसी के रेस्पेक्ट में ये आगे बात की जा रही है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द केसेज वेयर इन कॉपीज ऑफ PO आर नॉट ट्रेसेबल और नॉट इशूड, सच केसेज में बी सेटल्ड इमीडिएटली इन कोऑर्डिनेशन विथ रेस्पेक्टिव CCAs। तो ये तो थी इससे रिलेटेड जानकारी कि जिनकी कॉपीज ऑफ PO आर नॉट ट्रेसेबल या फिर नॉट इशूड, यानी PO की कॉपी जिनकी या तो नहीं मिल रही है ढूंढने पर भी, या फिर इश्यू ही नहीं किए गए हैं, तो उनका जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें। इसके अलावा इन्होंने बात की है यहाँ पर संपन्न पोर्टल के बारे में भी कि इन रेस्पेक्ट टू द केसेस वेयर द रिटायरीज हैव नॉट सबमिटेड देयर पेंशन पेपर ऑन संपन्न पोर्टल, यानी कि जो BRS ऑप्टीज हैं, रिटायरीज हैं, जिनको बहुत लोगों को इस चीज़ का नॉलेज डिटेल में नहीं होता है, तो उनकी वजह से या फिर कोई कारणवश उन्होंने पेंशन पेपर वो संपन्न पोर्टल में सबमिट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा रिमाइंडर में भी इश्यूड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, तो यहाँ पर बताया गया है कि उनको कम से कम दोबारा से एक रिमाइंडर भेजा जाए इससे रिलेटेड, ताकि उन्हें उससे जानकारी होगा तभी जा करके तो वो इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो या तो फ़ोन कॉल करें या फिर SMS भेजें, और सभी कंप्लीट ये भी करें और साथ में रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भी भेजें। साथ ही एवरी वीक वन रिमाइंडर में भी इश्यूड फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, यानी अगले 4 सप्ताह तक उन व्यक्तियों के पास में रिमाइंडर जाते रहेंगे, और टिल द फिल द पेंशन फॉर्म, और जब तक भेजने या फिर जब तक भेजने जब तक कि वो पेंशन फॉर्म भर नहीं देते, ठीक है। तो कब तक रिमाइंडर भेजने, या तो 4 वीक तक या फिर जब तक वो भर नहीं दे फॉर्म। सच BRS ऑप्टीज में आल्सो बी इन्फॉर्म दैट BSNL विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिनका पेंशन पेपर कंप्लीट नहीं है, अगर उनका पेंशन डिले होता है, तो इसके लिए BSNL बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, और या फिर कोई अन्य बेनिफिट्स जो मिलने वाले थे BRS के तहत अगर वो लेट होते हैं, तो इसके लिए BSNL जिम्मेदार नहीं है, ऐसा बताया गया है। बाकी थर्ड पॉइंट में इन्होंने बात की है कि विथ रिगार्ड टू द केसेज पेंडिंग फॉर कास्ट सर्टिफिकेट लेटर्स में बी इश्यू टू द रिटायरीज फॉर सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट दैट पेमेंट ऑफ एक्सग्रेसिया विल नॉट बी सेटल्ड इन देयर केस टिल द कंप्लीशन ऑफ द स्टिपुलेटेड फॉर्मेलिटीज।
तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर जैसे किसी को कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो जब तक वो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर देता है तब तक एक्स रेशिया का भुगतान उसका पेंडिंग रहेगा और तब तक उसका सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पेंडिंग रिकवरीज इन रेस्पेक्ट ऑफ BRS 2019 रिटायरीज द रिकवरी अमाउंट आर टू बी एडजस्टेबल फ्रॉम द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द एक्स ग्रेसिया द कंसर्न ऑफिसर और ऑफिशियल विल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच लैप्स इन रिकवरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कोई भी पेंडिंग रिकवरी है BRS 2019 के रेस्पेक्ट में, यानी जिन्होंने BRS ले लिया है और उनसे कुछ जैसे रिकवरी करनी है और उन्होंने रिकवरी नहीं की है, तो जो रिकवरी अमाउंट है आर टू बी एडजस्टेबल फ्रॉम द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द एक्स ग्रेसिया, तो वो एक्स ग्रेसिया के फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स में से एडजस्ट किया जाएगा। द कंसर्न ऑफिसर और ऑफिशियल विल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच लैप्स इन रिकवरी, और अगर इसकी रिकवरी नहीं होती है तो इसके लिए जितना भी पे अमाउंट का जो रिकवरी करनी बाकी रह गई है वो सब के लिए उसका कंसर्न ऑफिसर जिम्मेदार होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द केसेज वेयर लास्ट पे ड्रोन और क्वालिफाइंग सर्विस हैज इन करेक्टेड और रिड्यूस्ड बाय द CCA एंड अकॉर्डिंगली PPO हैज बीन जनरेटेड सच केसेज में बी अपडेटेड इन द ERP और सेफ विथ रिकार्ड टू द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया एनकैशमेंट ऑफ ELHPL पेएबल टू द रिटायरीज ऑफ BRS 2019 द रिकवरीज इफ एनी विथ रिगार्ड टू द पे एंड अलाउंस ड्रोन इन एक्सेस में बी रिकवर्ड बाई द फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर जो PPO जनरेट किया जाएगा तो उससे पहले इन सभी केसों में जब ERP या SAP के अंदर अगर वो देखें विथ रिगार्ड टू द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया इन कैशमेंट ऑफ ELHPL पेएबल टू द रिटायरीज ऑफ BRS 2019 द रिकवरीज इफ एनी विथ रिगार्ड टू द पे एंड अलाउंस ड्रोन इन एक्सेस मे बी रिकवर्ड बाय द फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पर सीधी बात है कि अगर आपका कुछ भी पहले का पुराना बकाया है आ रहा फिर आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा पैसा इनको फोर्थ इंस्टॉलमेंट में से ही एडजस्ट करना है आपका। उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी तरह से भी एडजस्ट करने के लिए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है बाकी या आपका ड्यू रह जाता है तो इसके लिए वो कंसर्न ऑफिसर जिम्मेदार होगा। इनका कहना इतना ही है बस। अब हम बात करते हैं कि कब तक आपका पैसा आएगा। इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द अबव एक्टिविटीज़ मे बी कम्प्लीटेड ऑन द टॉप प्रायोरिटी लेटेस्ट बाई 14 अगस्त 2020 सो दैट द पेंशन केसेज ऑफ आल BRS ऑप्टीज 2019 रिटायरीज गेट सेटल्ड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 14 अगस्त 2020 से पहले पहले आपको ये कंप्लीट कर देना है। अगर आप 14 अगस्त 2020 से पहले पहले इसको टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखते हो और इसको कंप्लीट नहीं करते हो तो चाहे किसी भी कारण से विदाउट एनी फर्दर डिले इसको कंप्लीट करना है और जाके ये जो इतने भी पेंशन केसेज हैं BRS ऑप्टीज के ये सेटल किए जा सकें। अब अगर ये 14 अगस्त को सेटल कर देते हैं तो इससे आपका ये मतलब नहीं है कि 15 अगस्त को आपका पैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा 14 अगस्त के बाद ही आएगा। अब वो कितना डिले होता है ये उसके बाद में डिपेंड करता है मेनली किसके द्वारा, DOT जो पैसा देता है BSNL को, किसके लिए, BRS के लिए, क्योंकि ये जो बजट में शामिल किया गया था तो बजट के थ्रू ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया जाना है। और जैसे ही ये पैसा BSNL के पास आएगा तो इनको विद इन मंथ इनको कम्प्लीटली आपको भुगतान करना होगा। यानी कि मैक्सिमम चांस है कि आपके अगस्त के मंथ की अंतिम तारीख, ठीक है, अगस्त मंथ की अंतिम तारीख तक आपका भुगतान हो जाएगा। ये है इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट और इसकी कॉपी आप देख सकते हो कि सबको दी हुई है, CMD तक को इसकी कॉपी दी हुई है। तो ये ऑफिशियल लेटर है, यहाँ तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अब जितने भी BSNL के अदर एम्प्लॉयज से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी है उसमें मैं बता दूं कि एक तो 200 Mbps की स्पीड के साथ में FTTH का प्लान आया है, वो आप ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है और इसमें केबल कटने का भी आपको बहुत कम डर रहता है क्योंकि फाइबर पर है तो तुरंत ही इस पर एक्शन लिया जाता है और इसकी पेनल्टी भी आपको मिल जाती है। अगर आपका कुछ देर के लिए भी बंद रहेगा तो उसका भुगतान आपको BSNL को करेगी या करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड थिंग,
अगर आप सोच रहे हो जुलाई मंथ की सैलरी की, तो लगभग 22 तारीख के आसपास तक ही जुलाई मंथ की सैलरी आ पाएगी। और हालांकि यूनियंस के द्वारा कोशिश की जा रही है कि 18 तारीख से पहले पहले इसका भुगतान हो जाए। रही बात अब किस चीज़ की कि BRS ऑप्टीज को कब तक फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मिल जाएगा, तो ये महीने के लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर कोशिश के रिलेटेड अपडेट आती है तो आपको जानकारी तो मिल ही जाएगी। तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। वीडियो के नीचे दिया हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है SUBSCRIB, उसको प्रेस कर देना है, घंटी के निशानों कर देना है ऑल पर सेट। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, क्योंकि इसमें कुछ भी फेंक नहीं है, ये एकदम आपके सामने उपस्थित लेटर है, तो आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है कि आपने फेक न्यूज़ शेयर की है। थैंक यू, धन्यवाद।